हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हमारा सुमर फिर से आप लोगों के नया ब्लॉग लेके आया हूँ। और आज है संडे, और संडे अभी दोपहर के करीब 4:30 बज रहे हैं। और मैं काफ़ी दिन से आप लोगों को बोल रहा था यार, एक अपना जो क्वार्टर है उसका होम टूर करवाता हूँ। क्वार्टर मीन्स हम लोग का जो PSC उसका जो क्वार्टर होता है ना, गवर्नमेंट क्वार्टर का, कैसे क्या हम लोग यहाँ पे रहते हैं, उसका कैसे क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, कितने साइड के क्वार्टर है, कितने रूम अवेलेबल होते हैं, किचन वगैरह क्या क्या माहौल है, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा अभी मेरे होम टूर में। तो आप लोग मेरे से वीडियो में बने रहिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन होगा उसके बगल में बेल बटन होगा उसको हिट कर लीजिए, ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ सके। तो पहले अपन क्या करेंगे, आज का पूरा जो गवर्नमेंट क्वार्टर है उसका होम टूर होने वाला है। तो मुझे जो क्वार्टर अभी अलॉट हुआ है यहाँ पे भिलाई में, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे क्वार्टर रहता है। तो उससे पहले अपन थोड़ा सा बैम में दे लेते हैं मेरा जो एरिया माहौल कैसा है, उसके बाद अपन फिर स्टार्टिंग करेंगे क्वार्टर का होम टूर। तो चलिए पहले चलते हैं मैं गूगल मैप। तो मैंने अपने TV पे ना गूगल मैप एक्चुअली अभी ओपन कर दिया है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो मेरा टाउनशिप का मेरा मतलब मेरे क्वार्टर का टाउनशिप का मेरा जो सेक्टर है उस एरिया का व्यू अभी आया यहाँ पे TV पे दिख रहा है आपको गूगल मैप। तो मैं बताऊँ तो ये वाला जो एरिया है ना, ये आपको दिख रहा है ऐसे करके, ये है मेरा सेक्टर है, स्कूल से हॉस्पिटल सेक्टर। और हम लोग का जो क्वार्टर है, अगर मैं दिखाऊँ तो ये वाला देखिए, यहाँ पे जो मैप दिखा रहा है ये मेरा होम है, ये वाला मेरा क्वार्टर है। तो यहाँ पे देखिए काफी सारे ऐसे क्वार्टर लगे हुए हैं, उसके साथ काफी सारा ग्राउंड है, फिर पेड़ पौधे हैं, बहुत ही एक प्लानिंग के हिसाब से इसको बनाया गया है। तो ये है हॉस्पिटल सेक्टर भिलाई स्टील प्लांट का, और इस सेक्टर में मेरा क्वार्टर है। तो यहाँ पे आपको देखो तो स्टार्टिंग से यहाँ पे एंट्रेंस होता है, और ये सब ऑफिसर क्वार्टर है, काफी यहाँ पे सफिशियंट स्पेस के साथ क्वार्टर बनाया गया। उसके बाद देखिए ग्राउंड कितना है, तो ये वाला ग्राउंड है, सीसी ग्राउंड है, उसके बाद ये वाला ग्राउंड है मेरे घर के सामने, उसके बाद ये भी ग्राउंड है, उसके बाद यहाँ पे भी दोनों ग्राउंड देखा, टोटल 4 ग्राउंड है यहाँ पर, बहुत ही स्पेसियस एरिया है। उसके बाद ये देखिए मेरे क्वार्टर। तो यहाँ पे जो होता है ना क्वार्टर में, मतलब टाउनशिप एरिया में जो आपका लैंडमार्क वगैरह होता है ना, आपका स्ट्रीट और ब्लॉक होता है। तो फाइनली अपन चलेंगे नीचे और स्ट्रीट से ही अपन मेरा जो ब्लॉक है उसका अपन स्टार्टिंग करेंगे कि ब्लॉक कहाँ पे है, कौन सा स्ट्रीट है, कैसा क्या दिखता है वहाँ पे, माहौल कैसा है, उसके बाद उसका जो लैंडमार्क का जो आइडेंटिफिकेशन वगैरह कैसे होता है, वो सब अपन अभी नीचे जाके देखने वाले हैं। जो आपको फिजिकली दिखाऊंगा ये तो गूगल मैप पर दिखाता हूँ मैं। तो काफ़ी सारा ग्राउंड यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत ही स्पेसियस एरिया है ये मेरा जो सेक्टर है, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत ही शांत माहौल है, ग्रीनरी माहौल है। तो मैं सोचा कि बार इसका भी एक बार उसका ब्लॉग बना लेता हूँ। तो चलिए अगर ये वीडियो ना काफ़ी एक्साइटमेंट होने वाला है, तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नीचे से मैं जाऊँगा, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मेरे स्ट्रीट से मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग वीडियो को प्लीज एक बार एंड। हाय गाइस, अभी मैं आ गया हूँ मेरे स्ट्रीट पे, और ये मेरा जो देख रहे हैं पीछे ये अपना स्ट्रीट है, और इस स्ट्रीट के सामने ये जो पीछे देख पा रहे हैं ये अपना मेरे हम लोग का जितने भी क्वार्टर है सबका इंडिविजुअल गैरेज दिया। यहाँ पे हम लोग अपना गाड़ी वगैरह जो भी सामान वगैरह पार्क करते हैं, तो यहाँ से ये आपका सबका इंडिविजुअल पार्किंग स्पेस है, और काफ़ी ये भी बहुत ही स्पेसियस गैरेज मिला है सबको। सो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये वाला मेरा ब्लॉक है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अभी स्ट्रीट और ब्लॉक होता था, ये मेरा स्ट्रीट है यहाँ पे, और पीछे मेरा ब्लॉक है। तो ये वाला जो ब्लॉक का अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे हम लोग का जो भी क्वार्टर वगैरह है ना यहाँ पे, मतलब आपका एक एक ब्लॉक बना है, आपका 6 फैमिली रहने के लिए यहाँ पे बनाया गया। तो नीचे से ABCDE है, वैसे करके बनाया गया, इस तरफ 3 रहते हैं, इस तरफ 3 रहते हैं। तो अगर अपन अंदर चलेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे वालों का जो भी ग्राउंड है एरिया है, देखिए नीचे वालों कितना स्पेस मिलता है यहाँ पे आपका, काफ़ी सारा गार्डनिंग वगैरह करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है नीचे वालों के लिए, बट ऊपर वालों को इतना ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं होता। बट फिर भी ठीक है, ये जो क्वार्टर है ये आपका EQ1 टाइप का क्वार्टर है, एग्जीक्यूटिव क्वार्टर है। यहाँ पे करीब 950 स्क्वायर फीट का एरिया यहाँ पे मिलता है एक्चुअली। तो चलिए अपन चलते हैं ऊपर। फाइनली ही हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अभी टॉप फ्लोर पे, और यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वार्टर, ये है ई, तो इस तरह के क्वार्टर, ये है आपका एफ, ठीक है। तो ये वाला अपना क्वार्टर, तो स्टार्टिंग से ही अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हम लोग ने एक लोहे का ग्रिल यहाँ पे लगवाया है, मतलब पूरा लोहे का ग्रिल का गेट है, उसके साथ ही सराउंडिंग में ऐसे भी ग्रिल लगाया है। और इस तरफ देखाऊँ तो ये वाला क्वार्टर है, इसके लिए सामने कुछ नहीं है एक्चुअली, ये ऐसे ओपन मिलता है, फिर हम लोग क्या आप अपने हिसाब से इसको फिर ग्रिल वगैरह लगा सकते हो, यहाँ पे गेट वेट लगा सकते हो। तो फाइनली मैंने इसको अपने खर्चा वर्चा करके इसको अपन ऐसे देखिए लोहे का ग्रिल है पूरा जाली वाला, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली, तो ऐसे करके इसको लगाया गया है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इस तरह का आपका एक ग्रिल मिलेगा आपको लगाने के लिए, और यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए पेड़ पौधे, उसके बाद वो अपना गैरेज वगैरह है, उसके बाद वो देखिए आगे ग्राउंड है, उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा माहौल है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अंदर एंटर करेंगे, और ये अपन एंटर करेंगे। तो देखिए एंटर करते ही हम लोगों ने काफ़ी सारा एक्चुअली
ये तो मोहिनी प्लांट का प्लांट है, काफ़ी सारा पेड़ पौधे लगा के रखा है देखिए। और इसको हम लोग सामने वाला लॉन बोलते हैं देखिए, ऐसे करके ये पूरा लोहे का ग्रिल है। और ये वाला अगर लग गया ना तो बाहर बहुत ही एडिशनल सेफ्टी से, मतलब अच्छा लगता है कि फैमिली पूरा 100% प्रोटेक्ट हो गया। यहाँ पे तो कोई बेसिकली आता नहीं है, तो ये सामने वाला जो लॉन है वो ओपन है, बट यहाँ पे भी हम लोग ग्रिल लगा दिए हैं। तो फाइनली लोहे का ग्रिल लगा है ऐसे करके, और यहाँ पे पूरा गार्डनिंग कर दिया गया है। तो जैसे आप एंटर करोगे ना यहाँ पे आपका मतलब एक ग्रीन माहौल एंट्रेंस फील होता है। देखिए कितना सारा पेड़ पौधे यहाँ पे लगाया, और कितना सारा मतलब मोनी प्लांट काफ़ी लंबा लंबा लगाया गया यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं तो पूरा एक ग्रीन माहौल आता है। उसके बाद अपना गैस सिलेंडर रखा हुआ है, और थोड़ा सा हम लोग ये यहाँ पे ना क्या गवर्नमेंट कलर रहता है एक्चुअली, हम लोग क्या अपने हिसाब से देखिए मैंने ग्रीन कलर यहाँ पे करवाया है पूरा ब्रिक्स पैटर्न में। तो फाइनली ये छोटा सा एक लॉन है करीब, काफ़ी ये भी देखूंगा तो ये देखेंगे तो ये काफ़ी स्पेसियस एरिया देखिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कूलर रखे हैं, ये पूरा मेन एंट्रेंस है। और बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली कुछ होता नहीं है, बस ये वाला आपका मेन गेट होता है क्वार्टर में। तो हम लोग उससे पहले ग्रिल लगाए थे, तो चलिए अपन अभी एंटर करते हैं। ये हम लोग समर के लिए कूलर यहाँ पे फिटिंग कर दिए हैं सामने, और क्योंकि यहाँ पे विंडो का प्रोविजन नहीं है। तो ये देखिए हम लोग गमला भी कितना अच्छा से लगाया है यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग अगर सामने वाले लॉन से अगर एंटर करेंगे तो ये देखिए सामने वाला ये अपना हॉल है। और देखिए ये वाला जो हॉल है ना करीब 20x12 का हॉल लग रहा है मुझे, उतना काफ़ी चौड़ा है एक्चुअली इसका ये वाला, और इसका विड्थ भी काफ़ी बड़ा है। तो काफ़ी स्पेसियस वाला हॉल है देखेंगे। और अगर मैं इसको दरवाजे को बंद कर दूं, देखिए इस दरवाजे भी कलर गवर्नमेंट कलर लगाया गया है यहाँ पे। तो फाइनली ये अपना एक छोटा सा है, या फिर यहाँ पे जो पैटर्न आप देख पा रहे हो ना ये एक्चुअली गवर्नमेंट कलर जो है आपका थोड़ा सा येलो टाइप का कलर रहता है ना वो कलर लगा हुआ था, बट हम लोग अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ किया गया है। हमको जो कलर पसंद है हम लोग वही यहाँ पे लगाए हैं, और अपने हिसाब से इसको हम लोग कस्टमाइज किए हैं आपका चारों तरफ पूरा अपना कलरफुल वगैरह जो भी है पर्दा वगैरह लगा के, उसके बाद ये कलरफुल पैटर्न डिजाइन करके ब्रिक्स पैटर्न लगा के, उसके बाद ये अपना यहाँ से अगर मैं आपको भी दिखाऊँ तो ये वाला आपका मेन गेट है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे सोफा डाले हैं। उसके बाद ये जो सेल्फ देख पा रहे ना ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 3 सेल्फ दिया गया, और काफ़ी स्पेसियस दिया यहाँ पे, और बहुत ही मतलब बहुत ही स्पेसियस वाला एक क्वार्टर ये एक्चुअली एग्जीक्यूटिव क्वार्टर है। और मैं आपको बताऊँ तो जैसे हम लोग अब एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट साइड के लिए एक रास्ता गया है, ये आपका किचन की तरफ है, और इस तरफ जो गया आपका दोनों बेडरूम, उसके बाद वॉशरूम की तरफ रास्ता है, और पीछे वाला बालकनी की तरफ रास्ता है। तो हम लोग क्या यहाँ से हॉल से सीधा चलेंगे तो ये वाला देखिए हम लोग टीवी वगैरह सेटअप किए हैं यहाँ पे, और बहुत ही स्पेसियस एरिया है ये एक्चुअली 950 स्क्वायर फीट का क्वार्टर का एरिया। तो अगर हम लोग हॉल से आप एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका वॉशरूम एरिया है। तो ये वाला जो आपका बाथरूम है वो आपका टॉयलेट, अपन अगर चलेंगे तो देखिए ये वाला जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखिए अपना बाथरूम है। गीजर वगैरह तो हम लोग खुद लगाए थे, बट बाकी ये सेल हम लोग खुद लगाए थे, बाकी ये एक छोटा सा व्यू है आपका बाथरूम का। काफ़ी ये भी काफ़ी स्पेसियस है आपका, करीब 5 फीट x 4 फीट या होगा ऐसा कुछ है। उसके बाद हम लोग अगर वॉशरूम टॉयलेट की देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी स्पेसियस एरिया है, बहुत ही मतलब ये वाला है। वो सेल तो हम लोग अपने हिसाब से लगाए थे, बट ये भी काफ़ी स्पेसियस एरिया है। बीच में आपका देखिए एक ऐसे वॉश बेसिन, देखिए ये मिरर वगैरह लगाया गया है। तो यहाँ पे ये सब है ना कंपनी फिटेड है, ये आपको कंपनी लगा के यहाँ पे BSP देता है हम लोगों को, बट ये जो गार्डनिंग वगैरह है ये कलर पैटर्न वगैरह ये सब हम लोग खुद के आपको ये जब हमें क्वार्टर मिलता ना तो ये सब पूरा जो है अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा सब कुछ लगा के देते हैं। और इसके बाद देखेंगे तो ये देखिए कलर पैटर्न वगैरह हो गया। उसके बाद अगर मैं पीछे से थोड़ा सा आ जाऊँ तो देखिए मैंने हॉल से एंटर किया तो ये लेफ्ट साइड में आपका वॉशरूम एरिया है, वॉशरूम और टॉयलेट। उसके बाद ये वाला देखिए यहाँ पे और एक बेडरूम है, पहला वाला बेडरूम जिसको आप गेस्ट रूम बोल सकते हैं और भी कुछ बोल सकते हैं। तो ये देखिए ये भी एक आपका 10x15 का है शायद, काफ़ी बड़ा एक बेडरूम यहाँ पे मिलता है एक्चुअली। ये 2 BHK तो ये पहला वाला बेडरूम है देखिए, और यहाँ पे एक वुडन वाला एक आपका एक वार्डरोब भी मिलता है आपको दिखाऊँ तो देखिए। और देखिए इसमें भी कलर जो है आपका गवर्नमेंट कलर लगाया गया है। उसके बाद एक विंडो है उसमें हम लोग कूलर लगाए हैं, और देखिए कलर वगैरह हम लोग जो है ना अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ किया गया है पूरा, हमको जैसा पसंद हम लोग वैसा किए हैं। तो ये भी एक बेडरूम है करीब 15x10 का। उस बाद अगर हम लोग फिर से वापस चलें तो देखिए वॉशरूम यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी है। देखिए गेस्ट रूम अगर ये वाला होगा तो ये वाला आपका मास्टर बेडरूम है, तो यहाँ पे कोई सबको इक्वल प्राइवेसी मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग इस तरफ चलेंगे तो ये देखिए पीछे वाला लॉन की तरफ ये रास्ता है, पीछे वाला लॉन मैं आपको दिखाता हूँ, पहले बेडरूम दिखा देता हूँ।
और ये वाला जो है ये और एक बेडरूम है जिसको हम लोग अपना मास्टर बेडरूम बनाए हैं। और देखिए यहाँ पे भी हम लोग कलर जो है कस्टमाइज किए हैं। उसके बाद कितना स्पेसियस देखिए, ये बेड अपना करीब 6 फीट प्लस है, 6.5 का है, 6.5 बाय 6 का है। उसके बाद भी यहाँ पे देखिए करीब 5 फीट का आपका स्पेस मिल रहा है। उसके बाद इस तरफ भी अगर देखेंगे तो 6.5 फीट का, तो इस तरफ भी आपको करीब 4-5 फीट का मिल रहा है। तो काफ़ी स्पेसियस वाला बेडरूम है। देखिए हम लोग 4 बाय 6 का से बेड लगाए, उसके बाद बीच में कितना जगह है। और सारे रूम में ना इस तरह का देखिए आपका ऐसे वार्डरोब वगैरह मिलता है वुडन वाला, और बहुत ही स्पेसियस वाला रूम मिलता है। तो इस क्वार्टर में ना जो क्वार्टर यहाँ पे हम लोगों को मिला है काफ़ी बड़ा वाला क्वार्टर है। यहाँ पे 2 BHK का है। और थोड़ा आप देखिए हम लोग बेड लगाने के बाद भी यहाँ पे 2 स्टोर रूम रखे वार्डरोब, फिर भी जगह मिल रहा है। उसके बाद अपन लगाया है AC गर्मी का अपना जो फ्रेंड है, और काफ़ी अच्छा। अगर मैं आपको दिखा तो यहाँ से देखिए ये आपका वाशरूम एरिया हो गया। उसके बाद वो आपका हॉल है, उसके अंदर किचन भी है, लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा लाइट ऑफ है बोल के। काफ़ी स्पेसियस एरिया है और बहुत ही है। स्टार्टिंग में हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो काफ़ी कलर वगैरह सिंपल था, कुछ भी नहीं था, तो हम लोग अपने हिसाब से इसको फिर कस्टमाइज किए हैं। और अभी अपन चलेंगे, देखिए सामने एक लॉन था छोटा वाला, और पीछे की तरफ आपको मैं दिखाऊँ, देखिए कितना बड़ा। ये भी करीब आपका 12 फीट बाय 10 फीट का एक बहुत ही बड़ा लॉन है देखिए। इसके बाद यहाँ पे एक गवर्नमेंट टंकी देता है इसमें पानी वानी भरने के लिए। और उसके बाद हम लोग देखिए पेड़ पौधा अपना मोटर सब लगा के रखे हैं यहाँ पे। और ये भी काफ़ी स्पेसियस एरिया है पीछे वाला लॉन, और बहुत ही मज़ेदार एरिया है। तो मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला अपना दोनों बेडरूम कवर हो चुका है, फिर पीछे वाला लॉन भी कवर हो चुका है। तो अभी हम लोग चलते हैं किचन की तरफ, और देखिए अगर मैं वाशरूम की तरफ से आऊं तो ये है मेरा हॉल का व्यू देखिए। और ये है गवर्नमेंट क्वार्टर, बट लगेगा नहीं आपको गवर्नमेंट क्वार्टर, क्योंकि हम लोग इसको अपना घर जैसा माना है। क्योंकि हम लोग 24 घंटा जो एक दिन में होता है, 16 घंटा मुझे यहीं पे रहना पड़ता है, बाकी 8 घंटा मैं ड्यूटी जाता हूँ। तो मैं अपना चाहता हूँ कि अपना जो 16 घंटा है ना वो बहुत ही अच्छा कटे, इसलिए मैं इसको घर मानता हूँ, क्वार्टर नहीं मानता। और इसलिए जो भी कलर कस्टमाइजेशन वगैरह सब अपन अपने दिमाग अपने आइडिया लगा के अपना पैसा खर्चा करके किए हैं, क्योंकि अपन को 16 घंटा जो है अच्छे से कटाना है। तो उसके बाद अगर अपन एंटर करेंगे किचन की तरफ, तो देखिए किचन में भी काफ़ी स्पेसियस एरिया है। पहले अगर देखें तो ये स्टोर रूम एरिया देखिए, यहाँ पर भी इस तरफ भी आपका सेल्फ दिया गया, फिर इस तरफ भी आपका सेल्फ दिया गया है, काफ़ी स्पेसियस एरिया है किचन में। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कुकिंग एरिया है, तो यहाँ पे भी देखिए कितना बड़ा एक रैक दिया गया है यहाँ पे आपका सामान रखने के लिए। उसके बाद ये थोड़ा सा एक ये इसके साथ आपका कुकिंग बड़ा टेबल वगैरह है, उसके बाद वॉश बेसिन है। उसके बाद देखिए ये भी हम लोगों ने कलर कस्टमाइजेशन किया अपनी तरफ से जो पसंद है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्रिज रखें, और किचन में देखिए कितना स्टोर करने के लिए जगह है। देखिए ये वाला एक स्टोर रूम मतलब सेल्फ दिया गया, उसके बाद इस तरफ आपका 2 सेल्फ है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए एक जाली टाइप का दिया गया आपको, लोहे का जाली टाइप का, यहाँ पे एक अलमीरा टाइप का दिया गया। यहाँ पे आप जो भी चीटी चूहे वगैरह का जो भी खाने वाला सामान जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं फाइनली ये दिखाने वाला था कि काफ़ी स्पेसियस वाला रूम है, और बहुत ही मैं तो बहुत खुश हूँ एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि भिलाई में आके इतना स्पेसियस रूम है। पेरेंट्स वगैरह भी कभी मतलब आते हैं, तो कितने भी रिश्तेदार आ जाते हैं यहाँ पे आपको स्पेस का कमी बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुत ही ताबड़तोड़ स्पेसियस क्वार्टर मिला है, और बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा, मतलब बहुत ही अच्छा मुझे फील होता है। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैं जब यहाँ पे आया था तो मुझे छोटा क्वार्टर मिला था, वहाँ पे बिल्कुल प्राइवेसी वगैरह नहीं था, बहुत ही छोटा क्वार्टर था। तो आप अकेले वॉशिंग 1 BHK वाला था, तो वहाँ पे आपकी जो बेडरूम था वो भी छोटा था, तो वहाँ पे मतलब बहुत ही हम लोग एडजस्ट करते रहते थे। बट अभी यहाँ पे इस क्वार्टर में आने के बाद काफ़ी स्पेसियस एरिया है देखिए, 2 लॉन मिले हैं, सामने भी है पीछे भी है, उसके बाद 2 बेडरूम है बहुत बड़े बड़े हैं, उसके बाद हॉल भी काफ़ी बड़ा है। तो और किचन तो पूछिए मतलब बहुत ही मतलब सेटिस्फैक्ट्री क्वार्टर हमें मिला है, और ये एग्जीक्यूटिव क्वार्टर है। हालांकि मैं एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, बट ये एक टाइम पे ये वैकेंसी मतलब एक निकला था, तो अपन इसको हम लोग उसको एक अपॉर्चुनिटी मिला था, उस टाइम हम लोग इस क्वार्टर को अप्लाई किए थे और क्वार्टर अपन को मिल गया था। फाइनली ये था मेरा क्वार्टर होम, ये एक होम टूर था मैं जो आपको दिखाने वाला था। तो होपिंग गाइस आपको ये जो छोटा सा ब्लॉग है अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपन मिलते हैं फिर और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।